तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल, दिस इज राहुल। एंड आज हम लोग आए हैं क्विड का जो क्लच वायर है वो बदलने। देखो इस क्लच वायर की हालत, मुझे पता भी नहीं चला और इसकी हालत ये हो गई कि ये बीच में से ऐसे फट गया। देखो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होने से क्या होगा कि गियरबॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। दो क्विड खड़ी है, एक ये दोनों ही सर्विस सेंटर में। हम लोग बालाजी में अभी जहाँ मैं हर काम कराता हूँ, तो ये देखिए मेरी क्विड है, तो यहाँ पर काम हो रहा है। इन्होंने निकाला ये क्लच वायर अभी और ये नई क्लच वायर डाल रहे। चलिए देखते कैसे डालते हैं। तो पहले क्या फिट करते हो बताओ कैसे। अरे अच्छा ये लिया, ये कौन सा एंड है, ये कहाँ जाता है, अंदर की तरफ? अंदर। अच्छा ये अंदर की तरफ जाता है क्लच लीवर में। क्लच लीवर में, ओके। और ये वाला जाता है इधर को बैटरी के नीचे से। गाइस देखो बैटरी के नीचे से जा रहा है मामला। एक्सपर्ट्स एक बार में कर देते हैं, हमें करने दिया जाए तो दिन लग जाएगा। और मैंने पहले से क्लच वायर मंगा के रखी थी और रेनो के पार्ट्स मिलते मुश्किल से हैं, तो जिनको पता होता है वो फटाफट ले आते हैं। देखिए ये क्लच यहाँ पर कपलर है, क्या ये क्या बोलते हैं इसको, इस गोले को क्या है ये? अच्छा से फंस जा रहा है, फंसने वाला है। अच्छा इसमें क्लच वायर ये अटैच हो जाता है जिससे तार में जोड़ लगती है। अच्छा तार में जोड़ लगता है, गाइस देख लो, सीख लो लगाना। कहीं आप फंस जाओ तो आपके पास क्लच वायर हो तो खुद लगा लेना, देख लो कैसे लगता है। तो इस जो ये जो गोला सा है उसमें अटकता है, देखो ये उसमें अटका रहे हैं सिर्फ क्लच वायर को। अब वो टाइट हो गया, अब ये पार्ट जो है बाकी का ये इधर से आएगा। कहाँ से आ रहा है, मैं कह रहा था ये जो एरिया है यहाँ पर ये फंस गया है और यहाँ से फंस के और ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये एक नॉब सा बना है कुछ, यहाँ पर फंस जाता है, तो यहाँ से टाइट वाइट हो जाएगा। और बाकी का पार्ट आप देखिए उधर वो जा रहा है अंदर की तरफ जो गियर लीवर की तरफ जाएगा ऐसे। और देखिए वहाँ से नट भी टाइट करना है, भूलना मत, नट ज़रूर टाइट कर लेना है। तो ये लग गया क्लच वायर, मुश्किल से हमें वीडियो को स्टार्ट करिए 2 मिनट्स नहीं हुए, 2 मिनट्स में लगा दिया इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड। तो ये देख सकते हो आप कि ये दोनों नट्स लग चुके हैं। नट्स को टाइट करना ज़रूरी है ताकि रास्ते में कहीं चलते चलते ना निकल जाए वाइब्रेशन से। तो ये फाइनल टचअप हो रहा है इधर, अब ये जाएगा अपने गियर लीवर किसके साथ, क्लच पैडल के पास, पैडल पे लग जाएगा ये, वो भी हम देखेंगे कैसे लगता है। देखो मेहनत पूरी लगातार जारी है, ऐसे आपको सोना पड़ेगा अगर करना है तो, लेटना पड़ेगा, इसलिए आपको पतला होना जरूरी है। देखिए क्लच पैडल जो है वो बिल्कुल लूज हो चुका है अभी क्योंकि उसमें तार नहीं है, तार लगते ही वो टाइट हो जाएगा। तो वैसे देख सकते हो क्लच वायर लग चुकी है और इसको भी बंद कर दिया मैंने। अब हम लोग देखेंगे अंदर का क्या फील आता है। ये है पैडल, पहले पैडल था ऐसे दबाना पड़ता था ऐसे यूं, अब देखो मक्खन एकदम मक्खन, ये जस्ट लाइक दिस, अब हो गया मक्खन, आवाज भी नहीं आ रही देखो। तो ये फील है सिर्फ क्लच वायर चेंज करने का और काम हो जाता है। इजी है क्लच वायर चेंज करना, कोई भी चेंज कर दे 10-20 रुपये लेके या 50 रुपये जो भी लेगा। मैंने ये कराया है काम यहाँ पर, आप देख सकते हो श्री बालाजी सर्विस स्टेशन, नंबर नोट कर लो, सो नहीं सकते है ना, यहाँ के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अच्छा काम होता है यहाँ पर। तो यही है आज का वीडियो खत्म। तो गाइस आपने देखा कि क्लच वायर लगाने में सिर्फ 2 मिनट लगे यहाँ पर, तो पहले से आप ऑर्डर कर दीजिए, फोन कर दीजिए इनको और ये सामान ला के रखेंगे। आप गाड़ी लाइए, 2 मिनट में काम होगा, गाड़ी लेके घर जाइए, टाइम पास नहीं होता है यहाँ। ऑलराइट, सो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय। बाय बाय।